हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर अमनदीप कौर टुडे वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असैट्स एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग जब भी आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एग्जाम में प्रेप करते हो तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इन्हीं कंसेप्ट में आता है तो आज आपको मैं ये कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगी तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नेट्स एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड तीनों का सेम फॉर्मूला होता है हैिटीज बट तीनों में हम कुछ असेट्स लेते हैं कुछ नहीं लेते कुछ लाइबिलिटीज लेते हैं कुछ नहीं लेते तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट्स और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के सबसे पहले हम यूसेज पे बात करते हैं कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले यूज होता है वैल्यूशन ऑफ गुडविल में जब भी आप गुडविल की वैल्यूशन करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करते हैं लेकिन जब आप शेयर्स की वैल्यूशन करते हो बाय नेट एसेट मेथड जिसको एसेट बेकिंग मेथड भी बोलते हैं और इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इस मेथड के थ्रू जब भी आप शेयर्स की वैल्यूशन करते हैं तब आप नेट असेट्स का यूज करते हैं लेकिन जब आप शेयर्स की वैल्यूशन वाया एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड करते हैं तब आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करना होता है तो इन तीनों के यूसेज में क्या क्या डिफरेंस है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का आप यूज करते हो गुडविल की वैल्यूशन में नेट नेटेट्स का आप यूज करते हो नेट असेट मेथड के थ्रू जब शेयर्स की वैल्यूशन करते हो तब आपका नेट एसेट्स का यूज होगा और शेयर्स की वेल्यूशन जब आप एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के थ्रू करते हो तो उसमें किसका यूज होगा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का ये तो इनका यूसेज के थ्रू इन तीनों में डिफरेंस था अब हम फार्मूला वाइज डिफरेंस देखते हैं अब तीनों में फॉर्मूला तो सेम है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अब देखते हैं कौन कौन सी एसेट्स हम तीनों में लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम हमें सारी एसेट्स लेनी होती है सिर्फ तीन असेट्स को छोड़कर गुडविल फिक्टिशियस फिकटिशियाट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स गुडविल फिक्टिशियस सेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन तीन असेट्स को छोड़कर आप सारी करंट असेट्स एंड सारी फिक्स असेट्स लेते हैं एट रीवैल्यूड प्राइस पर जिनकी असेट्स का रिवल्यूशन प्राइस नहीं गिवन है उनके लिए आप उनकी बुक वैल्यूज को ले लेते हैं तो सारी टोटल असेट्स का आप टोटल कर लेंगे गुडविल फिक्टिशियस सेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को छोड़कर ये आप फॉर्मूला में पुट करेंगे बट नेट असेट्स निकालते टाइम हम टोटल असेट्स में क्या लेते हैं सेट्स को छोड़कर बाकी सारी करंट और फिक्स असेट्स ले लेंगे और उनका टोटल कर देंगे लेकिन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम आपको फिक्टिशियस फिक्टीशियल एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों ही लीव करनी है और बाकी सारी करंट असैट्स और फिक्स एट रिवल्यूशन प्राइस पर ले लेंगे ध्यान रखना है जिन भी असेट्स का रिवोल्यूशन प्राइस नहीं दे रखा होता उनकी हम बुक वैल्यू को ले लेते हैं तो तीनों में डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम हमें क्या करना है गुडविल फिक्टिशियस सेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन तीन असेट्स को छोड़ना है बाकी सारी असेट्स को

अब हम बात करते हैं लाइबलिटीज़ पे लाइबलिटीज़ में जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में हम सारी आउटसाइडर लाइबलिटीज लेते हैं सिर्फ तीन चीज़ों को छोड़कर शेयर कैपिटल ऑल दी रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें शेयर कैपिटल चाहे वो इक्विटी है चाहे वो प्रेफरेंस है ऑल दी रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व सारे रिजर्व को आपको लीव करना है और सरप्लस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन तीन आइटम्स को आप छोड़कर बाकी सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज आप लाइबिलिटीज के टोटल में ले लेंगे और एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी इसी तरह से जब आप नेट असेट्स निकाल लेंगे तो आपको लाइबिलिटीज में अगेन शेयर कैपिटल रिजर्व और सरप्लस को छोड़कर बाकी सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज लेनी है और इसमें भी जैसे आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में करते थे वैसे ही नेट असेट्स में लाइबिलिटीज दोनों का सेम है देखो इसमें भी हम शेयर कैपिटल रिजर्व और सरप्लस को लीव करते थे इसमें भी रिजर्व शेयर कैपिटल और सरप्लस को लीव करना है बाकी सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज का टोटल करके हम असेट्स में से माइनस कर देंगे इसे अब हम बात करते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें कौन सी लाइबिलिटीज लेनी होती है ओनली करंट लाइबिलिटीज ओनली करंट लाइबिलिटीज का टोटल करके हमें एसेट्स में से माइनस करना है तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी दैट मीन्स इसको अदर लैंग्वेज में हम सोचें तो हम ये बोल सकते हैं कि शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स इन सभी को आपने लीव कर देना है तो बाकी कौन सी बची? करंट लाइबिलिटीज तो करंट लाइबिलिटीज को ही सिर्फ असेट्स में से माइनस करके आप नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे ये लाइबिलिटीज का डिफरेंस था होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट्स एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ देयर इज एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू